अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस रेस्टोरेंट का आपको रिव्यू देने के लिए आए हैं वो है बहुत आला। इनके नाम से ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद ही इसको रिव्यू दे दिया हुआ है, यानी कि बहुत आला। लेकिन हम आज इसलिए आए हैं कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। मैं अक्सर जब मेरा ऑफिस यहाँ से पास में ही है तो मैं शाम को जब भी गुजरता था मैं यहाँ से देखा करता था, तो मुझे बहुत ही एक जो फेमस जो टर्किश सीरीज थी अर्तुगरुल, उसमें एक करेक्टर था सादुद्दीन कोपैक, उसका डायलॉग आला याद आ जाता था। तो एक दिन मैंने वापसी पे प्लान किया कि मैं आके विजिट करूँ, तो मैंने यहाँ पे वापसी पर उस दिन ट्राई किया। वाकई इनका खाना जो है बहुत आला था। आज मैं सेकेंड टाइम आया हूँ कि थोड़ा डिफरेंट ट्राई करता हूँ, तो देखते हैं कि आज यहाँ पे टेस्ट हमें कैसा मिलता है। थोड़ा आपको बता दें कि ये इनके लंच में इनका रेस्टोरेंट तो ओपन ही होता है, ये शाम को 5 बजे स्टार्ट करते हैं, 5 से रात 12 बजे तक रहते हैं। तो आज संडे है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, तकरीबन इस वक्त 6:30 का टाइम है। मैं थोड़ा अर्ली आ गया था कि कंफर्टेबली आके कैप्चर कर लूँ, आपको कम्प्लीट यहाँ का रिव्यू दे सके। तो लेट्स जॉइन अस। सबसे पहले हम आपको बहुत आला की लोकेशन बता दें, ये वाकया है शाहराहे ऐवान सनत व तिजारत। ये वो रोड है जो गवर्नर हाउस सिग्नल से सीधा चाइना चौक की तरफ आ रहा है। ये सामने आप गवर्नर हाउस सिग्नल देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप चाइना चौक की तरफ टर्न लेते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे ये होटल है। ग्राउंड फ्लोर पे जो है जैपनीज और चाइनीज इनका रेस्टोरेंट है क्योटो के नाम से, और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो बहुत आला है। इन्होंने रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को बहुत ही एस्थेटिकली जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है। इसके सराउंडिंग में तो ग्रीनरी है ही, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन इन्होंने बिल्डिंग के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत प्लांटिंग की है। लीजिए हम स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं बहुत आला की तरफ। ये सामने बागे जना है और आप वहाँ पे सनसेट का जो है शाम को बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही राइट साइड पे जो है इनकी ड्रिंक बार है। सिटिंग सारी है जो वो ओपन है, कुछ एरिया इनका कवर्ड है एक ग्लास रूफ टॉप के साथ है, वो उसके अंदर तकरीबन कोई 20 लोगों की कैपेसिटी है। अगर आप अंदर बैठना चाहें तो वहाँ बैठ सकते हैं, अदरवाइज ओपन एयर में बैठ के वेदर को भी इंजॉय कर सकते हैं, व्यू को भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत आला के खाने को भी। ये मेन्यू देख सकते हैं आप, इनका मेन्यू भी बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। ये बुकलेट की फॉर्म में नहीं है, एक सिंगल शीट है, उसी पे आपको सारी जो है वो डिशेज डिस्प्ले हो रही होती हैं, तो आप बड़े कन्वीनियंटली उस पे आप चूज़ कर सकते हैं। मटन और लैम में इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है, ये उसको बारबेक्यू में बनाते हैं और अरेबिक स्टाइल में भी जो डिशेज हैं उसमें भी मोस्टली ये मटन और लैम ही यूज़ करते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ कि अगर आपके पास अलाइड बैंक का प्रीमियम डेबिट कार्ड है तो बहुत आला पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा।
मेन्यू यहाँ के इतना वर्सटाइल है, इसके अंदर देसी फूड हमारा और उसके अलावा जो है बारबेक्यू और अरेबिक फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आपको चूज़ करते हुए थोड़ा मतलब कि उसमें मुश्किल होती है, मतलब कि इतनी वैरायटी में से आप क्या खाएंगे। तो आज मैंने जो चूज़ किया है वो है लहम मंदी। ये बहुत ही एक फेमस जो है अरेबिक डिश है। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो यमन था, उसके बाद जो है ये ऑल अक्रॉस द मिडल ईस्ट जो है बहुत ही एक फेमस डिश है। लहम का मतलब तो है, ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है गोश, और मंदी का मतलब है, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो होता है ड्यू मॉइस्चर, मतलब कि इसमें जो मटन ये यूज़ करते हैं वो ड्राई नहीं होता है, वो थोड़ा मॉइस्चर टेक्सचर होता है उसका, वेट होता है, इस वजह से लहम मंदी इस डिश को बोलते हैं। और ये जितने भी मिडल ईस्ट में उनके इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जो है मंदी जो है वहाँ पे एक मेन डिश होती है। इसको राइस को ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाते हैं, उसमें कुछ नट्स वगैरह ऐड करते हैं और फिर मटन इसके अंदर जो बहुत जूसी मटन वो ऐड करते हैं। तो हम इनसे भी थोड़ा फीडबैक लेते हैं सामने को। तो हम आज जो है लहम मंदी यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं और इसका टेस्ट कैसा है, और दूसरा कि आप हमें सजेस्ट करते हैं कि बाकी सारे मेन्यू की सीजन छोड़ के इसको हम ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सबसे रनिंग आइटम जो है हमारा सबसे स्पेशल जो है गोटेड मेनू में मंदी हमारा सबसे स्पेशल है। आप इसको जरूर ट्राई कर ये कि नहीं, इसमें होते हैं राइस होता है, खारा राइस होता है, पी पुलाव जखनी पुलाव, इसमें तो नट्स वगैरह भी ऐड किए हुए होते हैं, फूड की टॉपिंग होता है, वो सॉसेस होता है, ओनियन होता है, साथ में टमाटर सॉस होता है, और इसके साथ वो भी सुपर शेक्स होते हैं जो इट्स बड़े मजे के होते हैं, जूसी होता है। और बस जिस तरह से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है इट सीम्स वेरी माउथ वाटरिंग। तो आज यही ऑर्डर करते हैं, तो आपसे शेयर करते हैं इसका रिव्यू। लीजिए, आखिर वेट करने के बाद लहम मंदी हमारी सर्व हो रही है। जस्ट हैव अ लुक, वाओ, इट सीम्स वेरी डिलीशियस। ये आप उसमें ये मटन देख सकते हैं और ये बाकी नट्स हैं, और ट्रेडिशनल स्टाइल में यखनी वाले जो हैं राइस बने हुए हैं। ये जैसे इन्होंने बताया था प्याज है, साथ में कुछ सॉसेस हैं इसके साथ, तो ये बड़ी मज़े की लग रही है। ये आलू बुखारे की जैसे चटनी है, आलमंड्स वगैरह उसके अंदर मिक्स किए गए हैं। जी अब स्टार्ट करते हैं, अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा। ये मटन ज्वाइंट हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी है ये। थोड़ा प्लेट में आप क्लोजअप इसका देखें, बल्कि मैं हाथ से इसको ये थोड़ा सा ये देखें, इतना जूसी है। और राइस हैं, राइस में ये किशमिश है, अंडे हैं, काजू है, ये जो ट्रेडिशनल एक मेटालिक ये छोटा सा बाउल है उसके अंदर जो है इन्होंने ये चटनी, और ये काफ़ी गर्म है, इसको भी साथ लेते हैं राइस के साथ। मेरे ख्याल में इसको ये यूज़ करेंगे हम। राइस चटनी वाले टिपिकल बने हुए हैं नट्स के साथ जो है, बहुत ही मज़ा कर रहे हैं। और मटन जो है बहुत ही जूसी है, टेस्ट भी बहुत मज़े का है, और स्पाइसेस कम हैं, प्योर जिस तरह यखनी स्टाइल में बना होता है वैसे है। खाने के बाद हमने ऑर्डर किया यहाँ का स्पेशल टर्किश कहवा। ये इसको एग्जैक्टली टर्किश स्टाइल में ही बनाते हैं, और कप भी वैसे ही हैं जैसे टर्की में कहवे में पेश करते हैं, और ये था भी बहुत मजे का। Thank you.